आपने अभी अभी किशोर अवस्था में कदम रखा है और आपको अपने फेस पे कुछ बाल नजर आ रहे हैं, तो आपको सिर्फ इंतजार करना है, ना घबराना है, ना ही इनको निकलवाना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि किशोर अवस्था में हमारे हार्मोन चेंज होते हैं, जिसकी वजह से हमारे फेस पे हेयर आ जाते हैं, और हो सकता है कि आगे चल के ये हेयर अपने आप ख़त्म हो जाए। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इंतजार करना है। अगर थोड़े टाइम बाद, मतलब कि 19 या 20 के होने के बाद, अगर आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल परमानेंट आपकी स्किन पर आ गई हैं, मतलब जा नहीं रहे हैं, तो आप कोई भी हेयर रिमूव मेथड अपना सकते हैं। जैसे कि आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 10 ऐसे हेयर रिमूव मेथड जिनको आप घर बैठे बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जिसमें से कुछ घरेलू नुस्खे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हो सकता है कि वो आपके घर में ही अवेलेबल हो। लॉकडाउन है और लड़कियां थ्रेडिंग बनवाने के लिए या फिर फेशियल हेयर निकलवाने के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं, है ना। तो आप लोगों को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो मैं लेके आई हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे तो आप अपने फेस के हेयर रिमूव करने के लिए आप थ्रेडिंग करवा सकते हैं, प्लकिंग आप कर सकते हैं, वैक्सिंग कर सकते हैं, लेजर ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने अभी बताया कि अभी लॉकडाउन है और हम बाहर नहीं जा सकते हैं, वैक्सिंग वगैरह थ्रेडिंग वगैरह हम नहीं करवा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, घरेलू नुस्खे मैं बताने जा रही हूँ। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए, पहला जो नुस्खा है, सबसे बेस्ट नुस्खा है, मैं नहीं करती हूँ, मतलब कि जो ये सामान मैं लेके आई हूँ, मैं मेरी जेठानी से परचेज करके लेके आई हूँ, क्योंकि वो अक्सर, मतलब कि उनके यहाँ पे हेयर आते हैं तो वो करते रहते हैं। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है फिटकरी। जी हाँ, आपने पहले भी सुना होगा, आपके घर में फिटकरी होगी। अगर आपके, मतलब कि अंकल हैं, भाई हैं, पापा हैं, अगर वो मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, सेव करते हैं, तो उनके पास फिटकरी ज़रूर होगी, है ना। तो क्या करना है आपको, और वो लोग भी क्या करते हैं, जब वो शेव करते हैं उसके बाद वो अपने फेस पे ना फिटकरी लगाते हैं, ताकि उनके हेयर की जो ग्रोथ है वो कम हो जाए। तो आपको भी फिटकरी लेनी है, फिटकरी को गीला करना है, और जहाँ जहाँ पे भी आपको लगे कि आपको अनवांटेड हेयर है, यहाँ पे हैं या फिर अपर लिप्स पे हैं या फिर चिन एरिया पे हैं, आपको सिर्फ ये फिटकरी वहाँ पे रब करनी है और आपको छोड़ देना है कम से कम 1 घंटे तक, ठीक है। बाद में आप अपना फेस वॉश कर सकते हैं, या फिर आप इसको रात में लगा के भी सो सकते हैं। ऐसा आपको दिन में 2 बार करना है, यकीन मानेगा आपके जो हेयर हैं वो अपने आप झड़ के गिरना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो भी बहुत कम हो जाएगी। सेकंड जो तरीका मैं बताने जा रही हूँ वो है, घर पे ही आप वैक्सिंग कर सकते हैं और ये बिल्कुल पेनलेस है। मैंने भी, मेरे अपर लिप्स पे थोड़े से हेयर आ गए थे, मैंने अभी कुछ दिन पहले किया था। ये है वैक्स और ये देखिए कटोरी में हमने इसको ऐसे मेल्ट किया हुआ है। ये आपको 250 रुपये की, मतलब कि आगे के लिए बता रही हूँ मैं, 250 रुपये की आपको ये 2 मिल जाएंगी, ये टिक्की ही। और आपको क्या करना है, सिर्फ इसको पिघलाना है गैस के ऊपर, और सिर्फ क्या करना है, जैसे कि पिघल जाएगी और ये थोड़ी टाइट हो जाएगी, और आप इसको कटोरी में ऐसे कि ऐसे ही रख सकते हैं, कोई ख़राब नहीं होगी। और आपको इसके साथ यहाँ पे ऐसे, मतलब चम्मच के साथ आपको लगाना है, और फिर आपको जैसे उखाड़ते हैं ना, ऐसे आपको उखाड़ देना है, बिल्कुल पेनलेस है। आपको ये मार्केट में मिल जाएगी, इसको शायद कटोरी वैक्स भी बोलते हैं, या फिर आप इसकी जगह बीन वैक्स जो होते हैं ना, उनका भी आप यूज कर सकते हैं। आपको दलिया लेना है, दलिया मतलब कि जो हम खाते हैं वो वाला दलिया लेना है आपको, या फिर आटा हम छानते हैं उसके ऊपर जो छाना सा जाता है ना, थोड़ा मोटा मोटा, वो ले सकते हैं आप। उसके साथ आपको हर रोज़ अपने फेस पे हल्के हाथों से स्क्रब करना है। दलिया में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है, हाइड्रेट रखता है, और आपके जो अनवांटेड हेयर है ना उनको परमानेंटली रिमूव करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प। आप ले सकते हैं चीनी, और उसमें आपको डालना है 1/2 लेमन, 1 चम्मच चीनी लेनी है आपको, उसमें लेमन पेस्ट बना लेना है और उसके अपनी स्किन पर लगा के आपको छोड़ देना है कम से कम 15 से 20 मिनट तक, और थोड़ा सा पेस्ट आपको बचा के रख लेना है। जब आपको लगे कि आपको 15 से 20 मिनट हो चुके हैं उसको फेस पर लगाए हुए, जो आपका बचा हुआ है उसके साथ आपको हाथ थोड़ा सा गीला करना है, और फिर उसके साथ आपको अपने फेस पे हल्के हल्के मसाज करनी है। उससे क्या होगा, जो चीनी और नींबू का जो पेस्ट आपने लगाया है वो उतरना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके साथ साथ आपके जो अनवांटेड हेयर हैं वो भी परमानेंटली निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताए दे रही हूँ कि ये घरेलू नुस्खे हैं, इनको आपको लगातार करना पड़ेगा, तब जाके ये आपके लिए इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, और इतने इफेक्टिव हो सकते हैं कि आपको लाइफ में कभी दोबारा अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम नहीं। आप अंडा यूज करते हैं तो आपको सिर्फ अंडे का सफ़ेद हिस्सा लेना है, और उसमें आपको मकई का आटा मिलाना है, या फिर आप उसमें मैदा भी ऐड कर सकते हैं, दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और अपने फेस पर आपको लगा लेना है, और उसको सुखा देना है, सूखने के बाद उसको उतार देना है। आपको इतना अमेजिंग
अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा ना वाकई में, क्योंकि अंडा में प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके हेयर अनवांटेड हेयर को जड़ से रिमूव करने में आपकी बहुत ज़्यादा है। लेना है लेवेंडर ऑयल प्लस टी ट्री ऑयल, दोनों को मिक्स करना है। मिक्स करके जहाँ पे भी इफेक्टेड एरिया है, जहाँ पे भी आपके अनवांटेड हेयर है, वहाँ पे आपको इसे अप्लाई करना है। हर रोज दिन में आपको दो बार ऐसा करना है। लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो इसको लगाने से आपको थोड़ा सा ड्राइनेस आ सकती है, बाद में आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसको लगाने से भी आप अपने अनवांटेड हेयर को परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सांस चढ़ गए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर। अगर आपके फेस पे अनवांटेड हेयर हैं तो आपको वीक में कम से कम 3 दफ़ा पील ऑफ जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि पील ऑफ से क्या होगा, आपके जो हल्के हल्के अनवांटेड हेयर हैं वो तो निकलेंगे ही निकलेंगे, और जो दूसरे थोड़े से बड़े अनवांटेड हेयर हैं वो धीरे धीरे करके उनकी जो जड़ें हैं वो लूज होना स्टार्ट हो जाएगी, और धीरे धीरे करके आपके जो अनवांटेड हेयर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो वीक में आपको 3 दफ़ा पील ऑफ जरूर यूज, बेसन यूज कर सकते हैं, बेसन बेस्ट है। बेसन से आपकी स्किन पर ग्लो भी आएगा और आपके जितने भी अनवांटेड हेयर हैं वो रिमूव हो जाएंगे। बस आपको अपनी हथेली पे बेसन लेना है और उसके साथ एज ए फेस वॉश अपने फेस पे आपको हर रोज, मतलब कि हर रोज आपको स्क्रब करना है। और ध्यान में रहे, अगर आप हर रोज स्क्रब कर रहे हैं ना, मतलब कि इसके जो पार्टिकल हैं वो आपको चुभेंगे नहीं। अब आप बोलेंगे कि हम हर रोज स्क्रब कैसे कर सकते हैं, ना तो दलिया चुभेगा आपको और ना ही बेसन। एज ए फेस वॉश दोनों को यूज कर सकते हैं। एज ए फेस वॉश अगर आप यूज करेंगे, मतलब कि दिन में 2 बार सुबह और रात को सोने से पहले, तो बहुत ही, मतलब कि चंद दिनों में आपको दिखेगा कि आपके जो अनवांटेड हेयर है वो काफ़ी हद तक, आपको अगर परमानेंटली, मतलब कि लाइफ टाइम, मतलब कभी भी आपको अनवांटेड हेयर ना आए, अगर आपको ऐसा चाहिए तो आपको पुदीने की चाय पीनी चाहिए। अगर आप ग्रीन टी पीते हैं तो आप ग्रीन टी की जगह पुदीने की चाय पी सकते हैं, क्योंकि पुदीना जो है आपकी बॉडी में हार्मोन को बैलेंस में लेके आएगा और आपके अनवांटेड हेयर को धीरे धीरे ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा चमत्कारी है। तो हो सके तो आपको पुदीने की चाय ज़रूर पीनी चाहिए। पुदीना ठंडा भी होता है और अभी गर्मियाँ भी हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित। लगातार अपने फेस पे शहद और नींबू लगाना चाहिए, लगातार दोनों को ऐड करके फेस पे मसाज करनी चाहिए, लगातार, मतलब लगातार, और कुछ ही दिनों में आपके अनवांटेड हेयर जड़ से परमानेंटली ख़त्म हो जाएंगे। प्लीज़ ऐसी चीज़ों का यूज मत करिए अपनी स्किन पे जो आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। यूज ही करनी है तो आप घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपको बोले कि ये क्रीम लगाने से, वो क्रीम लगाने से आपके अनवांटेड हेयर चले जाएंगे, तो आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, उनसे पूछिए। अगर आपके लिए वो क्रीम सेफ़ है तो आप क्रीम का यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी है जिससे आपके हेयर परमानेंटली रिमूव हो जाए। बोलते हैं लेजर से, लेकिन लेजर से भी मेरे ख्याल से 3 या 4 साल के बाद आपको फिर से आपको लेजर करवाना पड़ता है, क्योंकि आपको फिर से अनवांटेड हेयर आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ घरेलू नुस्खे थे, इनमें से कोई भी आप घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं और आपको अमेजिंग, मैं दावा देती हूँ, करती हूँ कि आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। और जैसे कि फिटकरी से या फिर आपको वैक्स ही करनी है तो आप ये वाली वैक्स कर सकते हैं, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है इनका भी। अगर आप फिटकरी लगातार लगाएंगे ना तो परमानेंटली आपके जो हेयर हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया ना, तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, मेरी मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। तो या मैं मिलती हूँ एक और प्यारी से अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय।